बड़ी मेहरबानी जी। हम ये शुरू कर रहे हैं आज से कि जितनी भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग्स होंगी उस सिलसिले में हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जी आपको उसके फौरन बाद डायरेक्टली इंगेज करेंगे और आपको बताएंगे, और अगर कोई आपके सवालात हैं तो उनका हम जवाब देंगे। आज की कोर कमेटी की मीटिंग अभी जारी है, शायद एक दो और इश्यूज़ हों तो वो हम अपने बयानिए में डाल देंगे। लेकिन एज़ ऑलवेज जो कोर कमेटी की मीटिंग का आगाज़ किया था हमारी जो लीगल टीम है उसने खान साहब के जो केसेस हैं उनकी मुख्तलिफ अदालतों में जो पोजीशंस है उसके बारे में एक डिटेल ब्रीफ उन्हें हमें दिया, और इसमें अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, साइफर की अपील का केस है, तोशाखाना की अपील का केस है, और इद्दत केसेस की अपील का केस है। इसमें सबका यूनानिमस ओपिनियन ये था कि इन केसेस के ऊपर के बारे में जो अपील्स हैं उनको सुनने में शद्दोमद का इजहार तो अलहदा किया जा रहा है लेकिन बहुत स्लो ये अपील्स के ऊपर प्रोग्रेस जो है वो हमें दिखाई दे रही है। सारे दिन में आधे घंटे से ज़्यादा सुनी नहीं जाती अपील, हालांकि वर्किंग आवर्स तो सात होते हैं कम से कम, अगर आप दो घंटे निकाल भी दें उसमें से रमज़ान के सिलसिले में तो कम से कम पाँच घंटे सुनी जानी चाहिए, लेकिन मुश्किल से 15-20 मिनट आधा घंटा जो है ये अपील सुनी जाती है। तो ये एक बड़ी क्लियर इंटेंशन जाहिर करती है कि जो स्टेट है और जो उसके पावर वील्डर्स हैं उनकी तरफ से एक कॉन्शियस एफर्ट है कि ये केसेस जो है इनकी प्रोग्रेस जो है उसको कम से कम आगे बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में शदीद हमने प्रोटेस्ट किया है, और इस सिलसिले में ख़ासकर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका जो कॉन्डक्ट रहा है उसके बारे में शदीद खदशात जो हैं वो कोर कमेटी के मेंबरान ने उनका इजहार किया है। वो हर केस में एक जज के तौर के ऊपर शामिल होते हैं और हर केस को वो इतने स्लोली आगे बढ़ाते हैं कि वो वर्चुअली जो है उसमें जस्टिस का कहीं आंसर नज़र नहीं आता। हमने बसा औकात जस्टिस आमिर फारूक के बारे में अपने डिस्ट्रस्ट का इजहार किया है, हमने बसा औकात कहा है कि वो अपने आप को उन केसेस से अलहदा करें जो खान साहब के बारे में हैं, लेकिन वो ढाटाई से हर उस केस में अपने आप को शामिल करते हैं जो कि खान साहब के बारे में होता है। तो ये एक और एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि इन सारे केसेस में जस्टिस का हसूल, इंसाफ का हसूल जो है वो मकसद नहीं है बल्कि केसेस को डिले करना जो है वो एक मकसद है। तो इस सिलसिले में हम दोबारा आमिर फारूक साहब से अपील करते हैं कि वो अपने आप को खान साहब के केसेस से अलहदा करें और बाकी जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं उनको वो केसेस सुनने दें। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी प्रपोज़ल हमारे सामने आया है कि हम अपना जो पॉलिटिकल कंटेंट है, जो पॉलिटिकल एफर्ट है हमारी, चूँकि हमें जुडिशियल फ्रंट के ऊपर हमें उम्मीदें जो हैं वो वर्चुअली दम तोड़ चुकी हुई हैं, कंसिक्वेंटली बहुत सारे मेंबरान ने इस चीज़ का इजहार किया है कि हमें अपना जो पॉलिटिकल कंटेंट है, जो पॉलिटिकल एफर्ट है उसको बढ़ाना चाहिए। उस सिलसिले में कुछ फैसले भी किए गए हैं जो कि मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। प्रिजनर्स कमेटी जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, क्योंकि हमारे कुछ ख़ासकर ख़वातीन जो हैं वो पिछले 11-12 माह से कैद में हैं, तो हम उनकी फैमिलीज़ का और उनकी अपनी वेलफेयर का, हमारी इंसाफ लॉयर्स की जो टीम्स हैं वो उनके केसेस वगैरह भी सुन रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन इस सिलसिले में उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है ताकि जितनी भी जल्दी इनकी वेलबींग के लिए एफर्ट, इनकी फैमिली की वेलबींग के लिए एफर्ट जो है उसको हम एक्सिक्यूट करें, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। महंगाई के सिलसिले में आज हमने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कोर कमेटी के मुख्तलिफ मेंबरान ने इसके ऊपर भी इजहार ख्याल किया है और इस चीज़ का शदीद खदशा का इजहार किया है कि जी आने वाले दिनों में महंगाई का जो अफरीत है वो गरीब आवाम की काबू से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। इसमें एक कॉन्टेक्स्ट जो डिस्कस किया गया है वो IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हो रही हैं और IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, इसकी डिटेल्स ऑलरेडी आप सुबह आए थे, मेरा ख्याल है आपको पता भी है, लेकिन जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ हैं और जो जो वो डिमांड कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में यही हमारा नतीजा निकला है सब लोगों का कि कोई ऑल्टरनेट मीन्स जो हैं वो तलाश करने पड़ेंगे
ताकि आवाम जो है उनकी ज़िंदगी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल ना हो जाए। हमारे दो बड़े ऑनरेबल मेंबर्स हैं हमारे डायस्पोरा के, अमेरिका में बेस्ड हैं, सजाद बरकी साहब और आतिफ खान साहब। पिछले कुछ दिनों से, तीन चार दिन से, उनके खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है। कोर कमेटी ने यूनानिमसली इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उनमें सजाद बरकी साहब में और आतिफ खान साहब, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी कॉम्पिटेंस में अपना जो उसका अपने कॉन्फिडेंस का जो है वो दोबारा से इजहार किया है। इसके अलावा कोर कमेटी ने आज एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें हम राना सनाउल्ला साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के खिलाफ FIRs दर्ज करवाएंगे। आज कुछ लोगों ने कोशिश की है FIRs दर्ज करवाने की, लेकिन बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर जिसमें कि इमरान खान साहब को भी अपनी FIR दर्ज करने और अपने जो सस्पेक्ट्स थे उनको नॉमिनेट करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज जिन लोगों ने कोशिश की FIRs दर्ज करने में कराने की, उनकी FIRs दर्ज नहीं करवाई गई। हमने पुलिस के इस रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कि PTI की तरफ से ये FIRs जो हैं वो लॉन्च की जाएंगी और उस सिलसिले में अपने जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ग्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ थानों में जाएंगे ये FIRs लॉन्च करने के लिए। और अगर पुलिस अपनी हटदर्बी के ऊपर कायम रहती है तो हम जो मुतालिका कोर्ट्स हैं वहाँ उन तक अपनी जो रिक्वेस्ट है वो लेके जाएंगे। इसके अलावा अडियाला के सामने हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है उसका बहुत जल्द आगाज़ किया जा रहा है। ये लेजिस्लेटर्स जितने भी हमारे मेंबरान असेंबली जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं वो सब जो हैं वो अडियाला जेल के सामने जाएंगे और वहाँ धरना देंगे, बैठेंगे और अब हल्फ बर्दारी जो है उसका वो कंडक्ट करेंगे। इसके साथ साथ अफ्तारी मीटिंग्स जो हैं उनका आगाज़ किया जा रहा है। दो हफ्ते रह गए हैं रमज़ान में, तो उस सिलसिले में जो अफ्तारी मीटिंग्स होती हैं उसमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी होता है, पॉलिटिकल एलिमेंट भी होता है उसका, तो उनका भी हम आगाज़ कर रहे हैं। ये तो हो गया वो जो मेजर रेजोल्यूशंस थे। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में आज बाज़गश्त जो है वो एचएसएन कॉलेज के मामलात के बारे में भी सुनाई दी है। शायद आप लोगों ने देखा हो कि कैबिनेट के एक मेंबर हैं उनकी बेगम साहिबा ने अपने दो बच्चों के लिए फीसों के माफ़ी की जो दरख्वास्त दी हुई थी और वो दरख्वास्त जो है कॉलेज की इंतज़ामिया ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो गवर्नर साहब ने अपने तई इन्वेस्टिगेशन करके वो उनकी जो फीस जो है वो माफ़ करवाई है विद रेट्रस्पेक्टिव इफेक्ट, तीन साल जो पिछले हैं 2022 टू करंट टाइम्स, जो कि इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द HSN कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इस के बारे में प्रोटेस्ट करते हुए जो HSN कॉलेज के प्रिंसिपल हैं माइकल थॉमसन, उन्होंने रिज़ाइन किया है और उसको उसके बाद सैयद बाबर अली जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल नाम है उन चंद लोगों में से एक का जिसने HSN कॉलेज की साख को बरकरार रखने में बहुत काम किया हुआ है, उन्होंने भी आज प्रोटेस्ट के तौर के ऊपर वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। तो ये एक इंतहाई तकलीफ दे फेल है जो कि किया गया है। ये रिपोर्ट है पूरी, अगर चाहेंगे तो मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दूँगा, उनका रेजिग्नेशन भी है, सब कुछ है कि अपने लोगों को मतलब क्या कहना चाहिए, इनाम देने के लिए आप कोई कानून कोई चीज़ इस मुल्क की जो है वो इस काबिल नहीं समझते ये लोग कि उसको रद्दी की टोकरी में न डालें। तो ये अब ये इशू जो है ये सिर्फ पाकिस्तान तक कन्फाइंड नहीं रहेगा, ये इशू जो है ये सारे मुल्क सारी दुनिया में फैलेगा। ये बहुत सीरियस एक डेवलपमेंट है और आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, अब देखेंगे कि ये इशू बहुत फैलेगा क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक किस्म की वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि गवर्नर साहब ने की है अपने तहीं। ये मेजर तेजी फैसले जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, कोई अगर आपने इस सिलसिले में कोई अगर आपके सवाल हों तो बताइए, तो उसका जवाब दे। ये यहाँ हमारी आज का इस वक्त ये है नहीं, कोर कमेटी में आज की मीटिंग में तो डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन
पहले डिस्कशन हुई थी, तो वो देखते हैं कि किस तरफ जाते हैं मामला। आज डिस्कशन नहीं। नहीं, हमारा होमवर्क कंप्लीट है और ओपोजिशन लीडर के बारे में भी नाम वगैरह सब स्पीकर तक जा चुके हुए हैं। स्पीकर की स्टेटमेंट भी आ चुकी हुई है कि जी अब भी हम मैंने फैसला नहीं किया कि किसको देना है किसको नहीं देना है, बिकॉज बेसिकली वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं हमें एज अ पोलिटिकल पार्टी। ये उनकी कंटेंशन है और हमने ऑलरेडी उनको प्रोटेस्ट किया इस सिलसिले में, और मेरा ख्याल है कि हम इस सिलसिले में जो अगले कुछ इकदाम है वो भी उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोई हाफ अ डजन टाइम्स लेटर्स लिख चुके हुए हैं जी, और कोई अभी हमने लीगल टीम के पास चला गया आज मामला, अगर कोई और स्टेप ले सकते हैं तो वो भी हम लेंगे बिल्कुल। कौन सा किसकी अडयाले जाल के सामने वो बैठेंगे जी, जाके एहतियात करेंगे वो लेजिस्लेटर्स। मैंने कहा था ना, लेजिस्लेटर्स जितने भी हमारे, जितने भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है जो पार्लियामेंट में बैठी है या पार्लियामेंट में कुछ लोग नहीं भी बैठे हुए, वो सब लोग इकट्ठे होंगे बारी बारी वहाँ जाके एक सिटिंग करेंगे अडयाले जेल के सामने। सब लोग ऑल ओवर। नहीं, ये सब असम्बलीज जितनी भी, जो आपकी फेडरल असम्बली है, पार्लियामेंट आपकी है, पंजाब की असम्बली है, KPC है, सब लोग हैं वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे जी। इसका मकसद है जी कि जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, उसके ऊपर अटेंशन जो है वो लोगों की और बढ़ाई जाए, मीडिया जो है वो उसका नोटिस ले, उसको उजागर करें। ये इंसाफ के तकाजे जो हैं वो बिल्कुल मीट नहीं किए जा रहे। खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया। ये तमाम फेक हैं केसेस, जितने भी हैं फ्रिवलस केसेस हैं, फ्रॉडुलेंट केसेस हैं। और टॉप ऑफ दैट ये कि जी जो इंसाफ के तकाजे उनकी हेयरिंग में है वो भी पूरे नहीं किए, कि जैसे कि मैंने डिटेल्स बताई हैं। तो ये उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो अटेंशन है वो उनको फोकस करने के लिए ये एक एफर्ट है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा सवाल पहले लेते हैं, पिछले 7 माह से जब से खान साहब जेल में हैं, कितनी दफ़ा आपने यही इसी किस्म की स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म जो है उसका इजहार किया है? और क्या खान साहब ने कोई डील की है? क्या वो शख्स है डील करेगा? तो अब आप सवाल पूछना ये छोड़ दें, इसको पहुंचने दें अपने नहज तक। बाकी रहा आपका पहले सवाल का जो पहला हिस्सा था, किसी किस्म की कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, यूनानिमस फैसले हो चुके हुए हैं, सब वक्त आने के ऊपर आपको भी पता चल जाएगा। थैंक यू।